हेलो बच्चों, आई एम शिल्पी फ्रॉम साम्स स्कूल। आई एम हेयर यू ऑल टू टीच चैप्टर नंबर 3, अप्पू द बेबी एलिफेंट। दिस चैप्टर इज इन योर इंग्लिश कोर्स बुक। ये आपके इंग्लिश कोर्स बुक में है चैप्टर नंबर 3, अप्पू द बेबी एलिफेंट। इसमें हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि बेबी एलिफेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज, है ना, कि वो कहाँ रहती है, अप्पू कहाँ रहती है, अप्पू क्या क्या पसंद है अप्पू को, है ना। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स गो स्टार्ट द चैप्टर। आई एम अप्पू। आई एम ए बेबी एलिफेंट। मैं अप्पू हूँ, है ना। ये देखो, ये अप्पू है ना जो बैठी हुई है। हाँ, मैं छोटी सी एलिफेंट हूँ। बेबी मतलब छोटी, है ना। आई लिव विथ माय फैमिली इन ए बिग टेंपल इन कलांदी, है ना। बिग टेंपल, मैं अपने परिवार के साथ बड़े टेंपल कलांदी में रहती हूँ। कैसा टेंपल है कलांदी? बड़ा टेंपल है। कलांदी में किसके साथ रहती है? अपने परिवार के साथ। ये एलिफेंट है तो इसका परिवार भी एलिफेंट का ही होगा। हाँ, इट इज़ ए टाउन इन केरला। ये टेंपल कहाँ है? केरला में कलांदी, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। आई इंजॉय प्लेइंग इन वाटर। वी गो टू बाथ इन ए रिवर नियर बाई। मैम, मुझे पसंद है पानी में खेलना, नहाना, है ना। और मैं मंदिर के पास के ही रिवर में जाती हूँ। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आई लव टू सी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर। मुझे चिड़ियाँ और तितलियाँ पसंद है देखना, है ना। वहाँ पे देयर आर ए लॉट्स ऑफ फिश इन द रिवर। रिवर में बहुत सारे फिश है ना, जिस रिवर में लोग नहाते हैं वहाँ पे बहुत सारा फिश है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, महावत है, शुगर कैन दिया है ना हाथी को। हाथी को टेस्टी लगता है बनाना और शुगर कैन खाना, है ना। महावत क्या होता है बताती हूँ मैं। महावत होता है जो एलिफेंट का देख रेख करता है ना, उसी को महावत कहते हैं। चलो, माई महावत की मे टेस्टी बनानास एंड शुगर कैन टू ईट। देखो, महावत दिया है ना शुगर कैन खाने के लिए। हाँ, आदमी खड़ा है यहाँ, एलिफेंट खड़ा है ना। एलिफेंट को क्या पसंद है? शुगर कैन और बनानास, केला, है ना, गन्ना का जूस शुगर कैन को बोलते हैं। ठीक है, ऑन फेस्टिवल माई फैमिली एंड आई आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली फॉर ए टेम्पल प्रोसेशंस, है ना। मैं और मेरा परिवार जो है वो अच्छी तरह से सजा दिया जाता है टेम्पल के ये जुलूस के लिए, है ना। बहुत सारा लोग जाता है, बहुत सारे जानवर जाते हैं जुलूस में, है ना। फेस्टिवल जब होता है, त्यौहार जब होता है, तब एलिफेंट को भी बहुत अच्छा सजा दिया जाता है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। द टेम्पल प्राइस्ड वेरी काइंडली गिव मी सम प्यासम एज आई वेरी फॉन्ड ऑफ इट। प्यासम इज ए स्पेशल स्वीट डिश प्रिपेयर ऑन वेजिटे ऑन फेस्टिवल्स। देखो, मंदिर का जो पुजारी है वो प्यासम देता है हाथियों को, एलिफेंट्स को, है ना। प्यासम क्या है? प्यासम होता है सेवई या खीर जैसा मीठा मीठा डिश, मीठा खाने का, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। आई फील हैप्पी व्हेन व्हेन पीपल प्ले विथ मी। मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत उत्साहित महसूस करता हूँ जब लोग मेरे साथ खेलते हैं। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले फुटबॉल विथ माई फैमिली। मुझे अपने परिवार के साथ विथ माई फ्रेंड्स, मुझे
मुझे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना पसंद है ना। चलो देखते हैं, यहाँ देखो खेल रहा है ना। हाँ अप्पू है, अप्पू का फ्रेंड है, फुटबॉल खेल रहा है ना। समझ में आया? हाँ फिर से मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देती हूँ, बता देती हूँ। देखो एक अप्पू नाम का छोटा सा एलिफेंट रहता है। वो कहाँ रहता है? कलांदी टेंपल, कलांदी एक जगह है, वहाँ पे बड़ा सा टेंपल है ना, मंदिर है। कलांदी कहाँ है? केरला में। ठीक है, अप्पू को क्या पसंद है? अप्पू को पानी में नहाना और खेलना पसंद है, और उसको बर्ड्स और तितलियाँ देखना पसंद है। पानी में बहुत सारे मछलियाँ रहती हैं, है ना। फिर आगे क्या पढ़े थे? महतो जो है वो अप्पू को बनाना देता है और शुगर कैन देता है खाने के लिए, है ना। फेस्टिवल जब होता है तो अप्पू को और अप्पू के परिवार को बहुत अच्छे से सजा दिया जाता है जुलूस के लिए, है ना। हाँ फिर क्या होता है कि उस पुजारी जो होते हैं, पंडित जी जो होते हैं मंदिर के, वो अप्पू को प्यासम देते हैं, है ना। प्यासम मतलब कि मीठा खीर टाइप का होता है, खीर या सेवई जैसा होता है। ठीक है, अप्पू को पसंद अच्छा लगता है जब उसके साथ लोग खेलते हैं, बच्चे आदमी लोग सब खेलते हैं ना। अप्पू को फुटबॉल खेलना पसंद है अपने दोस्तों के साथ। अप्पू को क्या पसंद है? फुटबॉल खेलना। किसके साथ? दोस्तों के साथ। चलो आगे पढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज बनाते हैं। ठीक है बाबू, चलो। असाइनमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज कीजिए। जिस ऑप्शन है उसको मैं लाल से लिखी हूँ, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। अप्पू लिव इन ए रिवर, ए फॉरेस्ट, ए टेम्पल। ऑप्शन होगा सी, ए टेम्पल, है ना। चलो सेकंड, वेयर डस अप्पू है बे बात। अप्पू नहाता कहाँ है? इन अ रिवर, इन द पॉन्ड, इन द टेम्पल। अप्पू कहाँ नहाता है? रिवर में, इन द रिवर। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट मेक्स अप्पू हैप्पी? अप्पू को खुशी क्या महसूस कराता है? गोइंग टू टाउन, गोइंग टू द फॉरेस्ट, प्लेइंग विथ पीपुल, देन प्लेइंग विथ पीपुल का अच्छा लगता है ना, इसको पीपुल के साथ खेलना। हाँ चलो आपको क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, नेम द टाउन वेयर अप्पू लिव्स। अप्पू लिव्स इन कलांदी, इन ए बिग टेम्पल इन कलांदी नियर, इट इज इन केरला, है ना, केरला में है। चलो आगे पढ़ते हैं। हु गिव्स अप्पू जूस, जूस शुगर कैन टू ईट। महावत गिव अप्पू शुगर कैन टू ईट, है ना। महावत देता है खाने के लिए। महावत कौन है? जो जो हाथियों का देख रेख करता है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। व्हाट गेम डस अप्पू लव टू प्ले विद हिज फ्रेंड? अप्पू लव टू प्ले विद हिज फ्रेंड इज फुटबॉल। फुटबॉल खेलता है ना, तस्वीर दिखाए थे आप लोग को। हाँ व्हाट स्पेशल फूड डस अप्पू गिव टू ईट ऑन फेस्टिवल? अप प्यासम स्पेशल फूड, स्पेशल फूड अप्पू गेट टू ईट ऑन फेस्टिवल्स, है ना, प्यासम दिया जाता है। कुड यू लाइक टू मीट अप्पू? वाई और वाई नॉट? यस आई लाइक टू ईट अप्पू बिकॉज अप्पू इज नाइस एलिफेंट, अच्छा एलिफेंट है ना। चलो पढ़िएगा चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।